Welcome friends, today we are going to study the new chapter Force and Energy, chapter number 13, Force and Energy, class 5, subject Science, chapter 13, chapter Comprehension. 13, Bal aur Urja, class 5, Vishay Vignan, Adhyay 13, अध्याय समझ श्री इजी एंड प्रॉस्परस स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक आपके लिए उपयोगी है, उन्हें अवश्य देखें। उनका उपयोग करोड़ों बच्चे कर रहे हैं, आप भी अवश्य उनका उपयोग करें। रिमेंबर यू आर बेस्ट स्कॉलर टॉपर विनर सक्सेसफुल स्टूडेंट एंड ह्यूमन बीइंग श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी एंड आई बिलीव इन यू। 13 फोर्स एंड एनर्जी लर्निंग चेकलिस्ट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स Energy, simple machines. 13. Bal aur Urja, learning checklist. Bal ke prabhav, bal ke prakar, urja, sadharan machine. Let's get started. Force and energy are the terms that we often use in our daily lives. To find out how much we know about force and energy, let us do this short exercise. आए शुरू करें। बल और ऊर्जा ऐसे शब्द हैं जिनका हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यह जानने के लिए कि हम बल और ऊर्जा के बारे में कितना जानते हैं, आइए इस संक्षिप्त अभ्यास को करें। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। नीचे दी गई तस्वीर को देखिए, सही विकल्पों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन अ वॉलीबॉल गेम द बॉल हिट बाय द प्लेयर्स इनिशियली गोज अप बट ऑलवेज कम्स डाउन ड्यू टू फोर्स फ्रिक्शनल और ग्रेविटेशनल। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ियों द्वारा हिट की गई गेंद शुरू में ऊपर जाती है लेकिन हमेशा बल के कारण नीचे आती है, घर्षण या गुरुत्वाकर्षण। द रेफरी ऑन द साइड यूजेस एनर्जी फ्रॉम हिज विसल टू कंट्रोल द गेम साउंड और हिट। रेफरी खेल को नियंत्रित करने के लिए अपनी सीटी से ऊर्जा का उपयोग करता है, ध्वनि या गर्मी। सिंस द गेम इज mostly played indoors, the stadium needs to be sufficiently lit. The floodlights produce a lot of energy, light or sound. चूंकि खेल ज्यादातर indoors खेला जाता है, इसलिए stadium में पर्याप्त रोशनी की जरूरत होती है। Floodlights बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, प्रकाश या ध्वनि। Floodlights दुधिया रोशनी देने वाले फ्लडलाइट्स। यू हैव लर्नड इन क्लास 4 दैट पुश और पुल आर द टू एक्शंस दैट मेक ऑब्जेक्ट्स मूव। फॉर एग्जांपल, अ बुलक पुलिंग अ कार्ट, अ मैन पुशिंग अ बाइक एंड अ बॉय लिफ्टिंग हिज स्कूल बैग। फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। Let us learn about the effects that force can produce. आपने कक्षा 4 में सीखा है कि धक्का या खींचना दो ऐसी क्रियाएं हैं जो वस्तुओं को गतिमान करती है। उदाहरण के लिए एक बैल गाड़ी खींच रहा है, एक आदमी बाइक को धक्का दे रहा है और एक लड़का अपना स्कूल बैग उठा रहा है।
बल को किसी वस्तु पर लगाए गए धक्का या खिंचाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए उन प्रभाव के बारे में जानें जो बल उत्पन्न कर सकते हैं। बैलगाड़ी, खींचता हुआ बैल, साइकिल चलाता हुआ आदमी और बैग उठाता हुआ बच्चा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन मेक इट मूव। ऑल्सो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन मेक इट मूव फास्टर इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। बल के प्रभाव। बल किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है। किसी स्थिर वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसे गतिमान कर सकता है। साथ ही किसी गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसे तेजी से आगे बढ़ा सकता है यदि बल उसी दिशा में लगाया जाता है जिसमें वस्तु गति कर रही है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल टू मेक इट मूव और अ बॉय पुशेस अ कार्ट टू मेक इट मूव फॉरवर्ड। बल के प्रभाव। उदाहरण के लिए, एक फुटबॉल खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ाने के लिए लात मारता है या एक लड़का गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए धक्का देता है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी और एक धक्का देता हुआ गाड़ी को धक्का देता हुआ लड़का। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन स्लो इट डाउन और स्टॉप इट कंप्लीटली इफ इट इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बल किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है। गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाए जाने पर किसी गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसे धीमा या पूरी तरह से रोक सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ गोलकीपर यूजेस हिज हैंड्स टू स्टॉप अ फुटबॉल फ्रॉम रोलिंग इनटू द नेट। बल किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है। उदाहरण के लिए, एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पोस्ट के जाल में जाने से रोकने के लिए अपने हाथों का उपयोग करता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एंगल कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग। बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। किसी गतिमान वस्तु पर कोण यानी एंगल से कार्य करने वाला बल उस दिशा को बदल सकता है जिसमें वह गति कर रही है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट, अ बैट्समैन हिट्स अ मूविंग बॉल विथ सच फोर्स दैट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। उदाहरण के लिए, क्रिकेट में एक बल्लेबाज चलती गेंद को इतनी ताकत से मारता है कि उसकी दिशा बदल जाती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप। हैव यू एवर नीडेड द और मेड चपातीज। नोटिस हाउ अ रोलिंग पिन मेक्स अ बॉल ऑफ द फ्लैट एंड राउंड व्हेन यू अप्लाई फोर्स। बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसका आकार बदल सकता है। क्या आपने कभी आटा गूंथ लिया है या चपाती बनाई है? ध्यान दें कि जब आप बल लगाते हैं तो कैसे एक रोलिंग पिन आटे की एक गेंद को सपाट और गोल बना देता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनदर एग्जाम्पल इज टू स्क्वीज अ स्पंज एंड सी हाउ इट्स शेप चेंजेस। बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। एक अन्य उदाहरण, स्पंज को निचोड़ना है और देखना है कि इसका आकार कैसे बदलता है। रिमाइंड अगेन, फिर से याद कीजिए। फोर्स कैन मूव अ कार्ट। बल गाड़ी को हिला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग फुटबॉल। बल चलती फुटबॉल को रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल। बल गतिमान गेंद की दिशा बदल सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बल वस्तुओं के आकार को बदल सकता है।
types of force. Various types of forces exist in nature. Some of them are given below. बल के प्रकार. प्रकृति में विभिन्न प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं. उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. गुरुत्वाकर्षण बल. गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके साथ ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर. एनी ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन अपवर्ड्स ऑलवेज कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ. It acts along the direction of the motion of the object when it moves towards the earth. गुरुत्वाकर्षण बल. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है. कोई भी वस्तु जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है. जब कोई वस्तु पृथ्वी से दूर जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है. जब यह पृथ्वी की और गति करता है तो यह वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स. गुरुत्वाकर्षण बल. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट एक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. विद्युत बल. वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो आवेशों यानी चार्जेस की उपस्थिति के कारण कार्य करता है वैद्युत स्थैतिक बल कहलाता है. आइए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक गतिविधि करें. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एक्टिविटी 1. एम टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मटेरियल्स रिक्वायर्ड प्लास्टिक रूलर एंड बिट्स ऑफ पेपर. प्रोसीजर 1. Place bits of papers on a table. Take the plastic ruler and rub it against your hair. Ensure that your hair is dry. Bring the plastic ruler near the bits of paper and observe what happens. Observation. You will find that the bits of paper move towards the plastic ruler. Conclusion. The plastic ruler gets charged after being rubbed against your hair. And the bits of paper get attracted towards it when it is brought closer. विद्युत बल. गतिविधि 1. उद्देश्य. इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को समझना. आवश्यक सामग्री. प्लास्टिक पट्टी और कागज के टुकड़े. प्रक्रिया. एक टेबल पर कागज के टुकड़े रखें. प्लास्टिक रूलर ले और इसे अपने बालों में रगड़े. सुनिश्चित करें कि आपके बाल सूखे हैं. प्लास्टिक रूलर को कागज के टुकड़ों के पास लाएं और देखिए कि क्या होता है. प्रेक्षण. आप पाएंगे कि कागज के टुकड़े प्लास्टिक रूलर की ओर गति करते हैं. निष्कर्ष. प्लास्टिक रूलर आपके बालों से रगड़ने के बाद चार्ज हो जाता है और कागज के टुकड़े करीब लाने पर इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं. मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट्स आर सब्सटेंसेस दैट अट्रैक्ट सर्टन मटेरियल्स टुवर्ड्स देम. द फोर्स विथ विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टन मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. चुंबकीय बल. चुंबक ऐसे पदार्थ है जो कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. चुंबक जिस बल से कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं. मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स. चुंबक चुंबकीय सामग्री को आकर्षित करते हैं. द मटेरियल्स दैट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. मटेरियल्स दैट आर मेड अप of iron get attracted towards a magnet. That is, iron is a magnetic material. वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं. लोहे के बने पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं यानी लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है. Magnets also apply force on each other. Every magnet has two poles known as the north pole and the south pole. When two poles of the same type are brought near each other, they repel or oppose each other.
whereas unlike poles attract each other. Unlike poles attract and like poles repel. चुंबक भी एक दूसरे पर बल लगाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। जब एक ही प्रकार के दो ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विरोध करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव पीछे हटते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ और फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम इज इन मोशन। इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, hence it slows down the motion of an object or stops it from moving completely. The force of friction produced depends on the nature of the objects in contact. Rough surfaces offer more friction than smooth surfaces. Let us learn about some of the advantages and disadvantages of friction. घर्षण बल। घर्षण बल या घर्षण दो वस्तुओं पर कार्य करता है जो संपर्क में है और उनमें से कम एक गति में है। यह हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, इसलिए यह किसी वस्तु की गति को धीमा कर देता है या उसे पूरी तरह से चलने से रोकता है। उत्पन्न घर्षण बल संपर्क में वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। खुरदरी सतह चिकनी सतहों की तुलना में अधिक घर्षण प्रदान करती है। आइए जाने घर्षण के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। Friction allows for the steady motion of objects. For example, we are able to walk steadily due to the friction between the ground and our shoes. The grooves on the sole or our shoes provide enough friction to prevent us from falling. Vehicles move steadily on the road because of the friction between the tires and the road. घर्षण के लाभ। घर्षण वस्तुओं की स्थिर गति की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, हम जमीन और हमारे जूतों के बीच घर्षण के कारण लगातार चलने में सक्षम हैं। हमारे जूतों के तलों पर खांचे हमें गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त घर्षण प्रदान करते हैं। टायर और सड़क के बीच घर्षण के कारण वाहन सड़क पर तेजी से चलते हैं। रिमाइंड अगेन, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक। फिर से याद करें, घर्षण हमें चलने में मदद करता है। Friction produces heat, which we use for different purposes. For example, a match stick is struck against the rough surface of a matchbox. Heat is produced due to friction which lights the match sticks. When we rub our hands together, heat is produced due to friction that keeps our hands warm. A match stick is rubbed against a matchbox. घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रयोजन के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, माचिस की तीली को माचिस की खुरदरी सतह से टकराया जाता है। घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो माचिस की तीली को जलाती है। जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं, तो घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न होती है, जो हमारे हाथों को गर्म रखती है। माचिस की तीली को माचिस से रगड़ा जाता है। Disadvantages of friction. With increase in friction, it becomes difficult to move an object as more force is needed to overcome it. For example, moving heavy objects on a rough surface is difficult. Friction causes the surface of an object to wear out. For example, the soles of shoes and surface of tires wear out because of friction. घर्षण के नुकसान। घर्षण में वृद्धि के साथ किसी वस्तु को हिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे दूर करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, भारी वस्तुओं को खुरदरी सतह पर ले जाना कठिन होता है। घर्षण के कारण वस्तु की सतह खराब हो जाती है। उदाहरण के लिए, घर्षण के कारण जूते के तलवे और टायरों की सतह खराब हो जाती है। वर्क। वी आर फेमिलियर विथ मेनी एक्टिविटीज इन अवर डेली लाइफ दैट इन्वॉल्व वर्क। What do we need to do work? We need to apply force to do work. When we apply force of an object, it moves in the direction in which the force is applied. If a force applied on an object moves it
in the direction of the force, then work is said to be done. The work done by a force depends on the amount of force applied and the distance through which the object is moved. If the amount of force applied is more, then the work done will also be more. Also, if the distance moved by the object is more, the work done will be more. काम हम अपने दैनिक जीवन में कई गतिविधियों से परिचित हैं, जिनमें काम शामिल है। हमें काम करने की क्या जरूरत है? हमें काम करने के लिए बल लगाने की जरूरत है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो वह उस दिशा में गति करती है, जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसे बल की दिशा में ले जाता है, तो कार्य किया हुआ कहलाता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल की मात्रा और उस दूरी पर निर्भर करता है, जिससे वस्तु चलती है। यदि लगाया गया बल अधिक है, तो किया गया कार्य भी अधिक होगा। साथ ही यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अधिक है, तो किया गया कार्य भी अधिक होगा। एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इज प्रेजेंट अराउंड अस इन मेनी फॉर्म्स एंड वी गेट इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द डे द सन गिव्स आउट लाइट एंड हीट एनर्जी। एट नाइट स्ट्रीट लाइट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट द रोड्स। द फूड वी ईट गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा हमारे चारों ओर कई रूपों में मौजूद है और हम इसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, दिन में सूर्य प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा देता है। रात में स्ट्रीट लाइट सड़कों को रोशन करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है। हम जो खाना खाते हैं, वह हमें काम करने और खेलने की ऊर्जा देता है। आइए अब हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में जानें। The sun gives out light and heat energy. Street lights use electrical energy to light the roads. सूर्य प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा देता है। स्ट्रीट लाइटें सड़कों को रोशन करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती हैं। हीट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल एंड केरोसिन। वी यूज हीट एनर्जी फॉर कुकिंग फूड एंड टू कीप अस वार्म। ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा एक ऊर्जा का रूप है। ऊष्मा ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है। साथ ही कोयला, पेट्रोल और मिट्टी के तेल जैसे ईंधन को जलाने से भी प्राप्त होती है। हम खाना पकाने के लिए और हमें गर्म रखने के लिए ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। द सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। Some artificial sources of light are electric bulbs, candles, tube light, lamps, etc. Plants also use light energy from the sun to prepare food. प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा हमें अपने आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है। सूर्य प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश के कुछ कृत्रिम स्रोत बिजली के बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूब लाइट, लैंप आदि है। पौधे भी भोजन तैयार करने के लिए सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स पोजिशन with respect to the ground is called potential energy. For example, water stored in a dam or an overhead tank. यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में भूमि के सापेक्ष अपने स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए, बांध या ओवरहेड टैंक में जमा पानी। मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
All moving objects have kinetic energy. For example, a moving car and a bullet fired from the gun. यांत्रिक ऊर्जा, गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। सभी गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, उदाहरण के लिए चलती कार और बंदूक से चलाई गई गोली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी नाउडेज इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस फॉर्म कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर सेल्स एंड जनरेटर्स। मोस्ट ऑफ द कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज फैंस, मोबाइल्स, वॉचेस, टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स रन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युतीय ऊर्जा, आजकल ऊर्जा का सबसे सामान्य और उपयोगी रूप विद्युत ऊर्जा है। इस रूप को आसानी से ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा के स्रोत सेल और जनरेटर हैं। अधिकांश सामान्य घरेलू उपकरण जैसे पंखे, मोबाइल, घड़ियां, टीवी और कंप्यूटर विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। साउंड एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सम सोर्सेस ऑफ साउंड एनर्जी इंक्लूड द रेडियो, लाउडस्पीकर्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा के कुछ स्रोतों में रेडियो, लाउडस्पीकर और संगीत वाद्य यंत्र शामिल है। विंड एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द मूविंग विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। विंडमिल्स हेल्प इन कन्वर्टिंग विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पवन ऊर्जा, चलती हवा से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। पवन चक्कियां पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करती है। रिवाइज एंड रिकॉल, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड ड्यू टू एक्टिंग ऑन इट, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अ फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। मटेरियल्स मेड अप ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लाउड स्पीकर इज अ सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी। संशोधित करें और याद करें। ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर लुढ़कती हुई एक बॉल घर्षण बल के कारण विरामावस्था में आ जाती है। लोह से बने पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसकी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लाउडस्पीकर ध्वनि ऊर्जा का एक स्रोत है। सिंपल मशीन्स, मशीन्स आर टूल्स दैट मेक अवर वर्क इजियर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स इफोर्ट नीडेड टू डू द वर्क। मशीन्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। टूल्स सच एज सीजर्स, स्क्रूज, टोंग्स एंड नाइव्स दैट हेल्प अस इन डूइंग वर्क एफिशिएंटली एंड इजीली आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। साधारण मशीन, मशीनें ऐसे उपकरण हैं जो काम करने के लिए आवश्यक बल प्रयास की मात्रा को कम करके हमारे काम को आसान बनाते हैं। मशीनें सरल या जटिल हो सकती है। कैंची, पेंच, चिमटे और चाकू जैसे उपकरण जो हमें कुशलतापूर्वक और आसानी से काम करने में मदद करते हैं सरल मशीन कहलाते हैं। There are six basic types of simple machines: lever, pulley, inclined plane, screw, wedge, wheel and axle. छह बुनियादी प्रकार की साधारण मशीनें हैं: लीवर, चरखी, झुका हुआ प्लेन, पेंच, किल, पहिया और धुरी। कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर मेड ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स। फॉर एग्जाम्पल, अ बाइसिकल इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन मेड अप ऑफ अ लीवर, स्क्रू एंड अ व्हील एंड एक्सल। जटिल मशीनें दो या दो से अधिक साधारण मशीनों से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए साइकिल एक जटिल मशीन है जो लीवर, स्क्रू और व्हील और एक्सल से बनी होती है।
लेट अस लर्न मोर अबाउट सिंपल मशीन्स। आइए सरल मशीनों के बारे में अधिक जानें। लीवर। अ लीवर इज अ रिजिड रॉड मेड टू रेस्ट ऑन एंड मूव अराउंड अ फिक्स्ड सपोर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। फलक्रम। इट इज फिक्स्ड पॉइंट और सपोर्ट ऑन विच द रॉड मूव्स फ्रीली। इफोर्ट। इट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द रॉड टू एनेबल द अदर एंड टू परफॉर्म वर्क। लोड। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क हैज टू बी डन। उत्तोलक। उत्तोलक एक कठोर छड़ होती है जो एक स्थिर सहारे पर टिके रहने और घूमने के लिए बनी होती है। इसमें तीन भाग होते हैं। आधार। फलक्रम। यह स्थिर बिंदु या सहारा है जिस पर छड़ स्वतंत्र रूप से चलती है। प्रयास। यह वह बल है जो छड़ के मुक्त सिरे पर लगाया जाता है ताकि दूसरा सिरा काम कर सके। भार। यह वह वस्तु है जिस पर काम करना होता है। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ दिस पार्ट्स लीवर्स आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। इन भागों की स्थिति के आधार पर लीवर को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। फर्स्ट क्लास लीवर्स इन दिस टाइप द फलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफोर्ट। सम एग्जाम्पल्स आर सीजर्स क्रोबार्स सीसॉ एंड क्लॉ हैमर्स। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक इस प्रकार में आधार भार और प्रयास के बीच होता है। कुछ उदाहरण कैंची क्रोबार्स सीसॉ और पंजा हथौड़े हैं। सेकंड क्लास लीवर्स हियर द लोड इज बिटवीन द एफोर्ट एंड द फलक्रम। Some examples are wheelbarrows, bottle openers, and lemon squeezers. द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक यहाँ भार प्रयास और आधार के बीच है। कुछ उदाहरण wheelbarrow, बोतल खोलने वाले और नींबू निचोड़ने वाले यंत्र हैं। Third class levers. In this type, the effort is between the fulcrum and the load. Some examples are a pair of tongs, a stapler, a fishing rod, and squeezers. तृतीय श्रेणी के उत्तोलक इस प्रकार में प्रयास आधार और भार के बीच होता है। कुछ उदाहरण चिमटे की एक जोड़ी एक स्टैपलर एक मछली पकड़ने वाली छड़ी और चिमटी है। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट व्हेन अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट अ लोड द ह्यूमन हैंड एक्ट्स एज अ थर्ड क्लास लीवर। संदर्भ में विज्ञान भार उठाने का प्रयास करते समय मानव हाथ तीसरे श्रेणी के लीवर के रूप में कार्य करता है। व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल इज अ सिंपल मशीन इन विच अ व्हील इज अटैच्ड टू अ रॉड कॉल्ड एक्सल। द व्हील एंड द एक्सल वर्क टुगेदर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द व्हील द एक्सल टर्न्स। ऑन द अदर हैंड इफ वी अप्लाई फोर्स टू द एक्सल द व्हील टर्न्स। पहिया और धुरी। पहिया और धुरा एक साधारण मशीन है जिसमें एक पहिया धुरी नामक छड़ से जुड़ा होता है। पहिया और धुरी एक साथ काम करते हैं। जब पहिया पर बल लगाया जाता है तो धुरा मुड़ जाता है घूमता है। दूसरी ओर यदि हम धुरी पर बल लगाते हैं तो पहिया घूम जाता है। सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टीयरिंग व्हील्स डोर नॉब्स एंड जायंट व्हील्स। कुछ उदाहरणों में स्टीयरिंग व्हील शामिल है दरवाजा गुंडी और विशाल पहिए। एक्टिविटी टू एम टू स्टडी द व्हील एंड एक्सल कॉम्बिनेशन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फोर बॉटल कैप्स टू पीसेस ऑफ थिक ब्रूमस्टिक 6 सेंटीमीटर लेंथ टू स्ट्रॉज ईच ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ द मैच स्टिक होल्डर ऑफ अ मैच बॉक्स एंड ग्लू। प्रोसीजर टेक द ब्रूम स्टिक्स एंड इंसर्ट देम इनटू द स्ट्रॉज फिक्स द बॉटल कैप्स टू द एंड्स ऑफ द ब्रूम स्टिक्स टू लुक लाइक अ व्हील एंड एक्सल इंसर्ट द ब्रूम स्टिक्स इनटू द मैच स्टिक होल्डर एज शोन इन द इमेज गिवन अलोंग साइड प्लेस अ वेट ऑन टॉप ऑफ द मैच स्टिक होल्डर एंड पुश द सेटअप फ्रॉम बिहाइंड। ऑब्जर्वेशन द सेटअप मूव्स फॉरवर्ड with the help of the wheel and axle. Conclusion, the wheel and axle combination makes work easier by reducing effort. गतिविधि दो
उद्देश्य, पहिया और धुरी के संयोजन का अध्ययन करना, आवश्यक सामग्री, चार बोतल के ढक्कन, मोटी झाड़ू के दो टुकड़े, 6 सेंटीमीटर लंबाई के, 2-3 के, 4 सेंटीमीटर लंबाई के, माचिस की तीली, धारक और गोंद। प्रक्रिया: झाड़ू ले और उन्हें स्ट्रॉ में डाले। झाड़ू और धुरी की तरह दिखने के लिए बोतल के ढक्कन को झाड़ू के सिरों पर लगाएं। माचिस की तीली में झाड़ू लगाएं जैसा चित्र में दिखाया गया है। माचिस की तीली के ऊपर एक भार रखें और सेटअप को पीछे से धक्का दें। अवलोकन: सेटअप व्हील और एक्सल की मदद से आगे बढ़ता है। निष्कर्ष: पहिया और धुरी का संयोजन प्रयास को कम करके काम को आसान बनाता है। पुली: अ पुली इज मेड ऑफ अ स्मॉल व्हील विथ अ ग्रू ऑन इट्स आउटर एज एंड अ रोप और चेन रनिंग ओवर द ग्रू। द व्हील रोटेट्स अराउंड एन एक्सल। दे आर यूज टू लिफ्ट वेट्स। चरखी: एक चरखी एक छोटे पहिए से बनी होती है जिसकी बाहरी किनारे पर एक खांचा होता है और एक रस्सी या चेन खांचे के ऊपर चलती है। पहिया एक धुरी के चारों ओर घूमता है। इनका उपयोग वजन उठाने के लिए किया जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड एंड मूवेबल। इन अ फिक्स्ड पुली द एक्सल इज अटैच टू अ सपोर्ट सच एज अ हुक और द वॉल। इट मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। Some examples are pulleys used in wells and on flagpoles. वे दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और चल। एक निश्चित चरखी में धुरा एक सपोर्ट से जुड़ा होता है जैसे हुक या दीवार। यह लागू बल की दिशा बदलकर काम को आसान बनाता है। कुओं और झंडे के खंभों में इस्तेमाल होने वाली पुली इसके कुछ उदाहरण हैं। A movable pulley is where the axle is not attached to any support and it is free to move along with the load. Movable pulleys are used along with fixed pulleys to reduce the effort. An example is cranes used in the construction sites to lift heavy loads with less effort. एक जंगम चरखी वह जगह है जहां धुरा किसी भी सपोर्ट से जुड़ा नहीं है और यह भार के साथ चलने के लिए स्वतंत्र है। प्रयास को कम करने के लिए स्थिर पुली के साथ चल पुली का उपयोग किया जाता है। एक उदाहरण, निर्माण स्थलों में क्रम प्रयास के साथ भारी भार उठाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है। इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप और अ रैंप और एनी स्लैंटिंग सरफेस दैट हेल्प्स टू कैरी लोड्स। इट रिक्वायर्स लेस फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप एन इंक्लाइंड प्लेन देन इट डज टू लिफ्ट the object vertically. Some examples are a slide in the park, ramps in hospitals to push wheelchairs up and down, and ramps for the loading and unloading of goods on trucks and aeroplanes. झुका हुआ प्लेन। एक झुका हुआ प्लेन एक ढलान या रैंप या कोई तिरछी सतह है जो भार ढोने में मदद करता है। किसी वस्तु को एक झुके हुए तल पर ले जाने के लिए वस्तु को लंबवत उठाने की तुलना में कम बल की आवश्यकता होती है। कुछ उदाहरण, पार्क में स्लाइड व्हीलचेयर को ऊपर और नीचे धकेलने के लिए, अस्पतालों में रैंप और ट्रकों और हवाई जहाजों पर माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रैंप है। वेज। अ वेज इज अ सिंपल मशीन मेड बाय प्लेसिंग टू सर्फेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज एन इंक्लाइंड प्लेन बैक टू बैक to form a sharp cutting surface. Some examples include the cutting edges of knives, needles and axes. Keel. एक पच्चर एक साधारण मशीन है जो दो सतहों को रखकर बनाई जाती है जिनमें से कम एक तेज काटने वाली सतह बनाने के लिए एक झुका हुआ प्लेन होता है। कुछ उदाहरणों में चाकू, सुई और कुल्हाड़ियों के काटने वाले किनारे शामिल है। Screw. A screw is an inclined plane wrapped around a central cylinder. It is used to hold things tightly together. It can be turned by using a screwdriver. Screws are useful in fixing door hinges and handles, nuts and bolts, a dentist's chair, a bottle or toothpaste cap, and a screw jack. Big screws used to lift cars and other heavy objects are examples of screws.
स्क्रू एक पेंच, एक झुका हुआ प्लेन है जो एक केंद्रीय सिलेंडरों के चारों ओर लपेटे जाता है। इसका उपयोग चीजों को कसकर एक साथ रखने के लिए किया जाता है। इसे एक पेचकश का उपयोग करके चालू किया जा सकता है। दरवाजे के टिका और हैंडल को ठीक करने में पेंच उपयोगी होते हैं। नट और बोल्ट, एक दंत चिकित्सक की कुर्सी, एक बोतल या टूथपेस्ट की टोपी या कैप और एक स्क्रू जैक कार और अन्य भारी वस्तुओं को उठाने के लिए उपयोग किया जाने वाले बड़े स्क्रू सभी स्क्रू के उदाहरण हैं। एक्टिविटी 3। एम टू मेक अ स्क्रू फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अ पेंसिल, अ स्केच पेन एंड अ ट्रायंगुलर शीट ऑफ पेपर। प्रोसीजर: कलर द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द ट्रायंगुलर पेपर। नाउ रैप दिस पेपर अराउंड अ पेंसिल सो दैट द कलर्ड सरफेसेस फेसेस आउटसाइड। ऑब्जर्वेशन: द कलर्ड सरफेस रिसेंबल्स अ वाइंडिंग रोड और अ स्टेयरकेस। वी हैव दस मेड अ स्क्रू आउट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। गतिविधि 3। उद्देश्य: एक झुके हुए प्लेन से पेंच बनाना। आवश्यक सामग्री: एक पेंसिल, एक स्केच पेन और कागज की एक त्रिकोणीय शीट। प्रक्रिया: त्रिकोणीय कागज की झुकी हुई सतह को रंग दे। अब इस पेपर को पेंसिल के चारों ओर लपेटे ताकि रंगीन सतह बाहर की ओर हो। अवलोकन: रंगीन सतह घुमावदार सड़क या सीढ़ी जैसा दिखता है। इस प्रकार हमने एक झुकाव वाले प्लेन से एक पेंच बनाया है। कीवर्ड्स: मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स विथ विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टन मटेरियल्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम इज इन मोशन। हीट एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज ऑयल एंड गैस। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स पोजिशन और मोशन। साउंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल मशीन, अ टूल और अ डिवाइस दैट मेक्स वर्क इजियर बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट। कीवर्ड: चुंबकीय बल, वह बल जिससे चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। घर्षण बल, एक बल जो दो वस्तुओं पर कार्य करता है जो संपर्क में है और उनमें से कम एक गति में है। ऊष्मा ऊर्जा, तेल और गैस जैसे ईंधनों को जलाने से प्राप्त ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या गति के कारण होती है। ध्वनि ऊर्जा, वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न ऊर्जा। सरल मशीन, एक उपकरण या एक उपकरण जो प्रयास को कम करके काम को आसान बनाता है। इजी एंड प्रॉस्पर स्टडी के लिए श्री सार्थ सिद्ध प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको सबसे पहले नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होंगे। Thank you, and thank you, God.